दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखो मेरे फ्रेंड्स। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? अबे यार, इसका बर्थडे क्या देखने की तो तैयार हो गए। अबे यार, हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडे पे इसको ज्यादा खुशी। अरे बाप, ओ भाई साहब, इसका पहले दीदी ब्लॉग भी बनाया हमने, ताऊ जब बना दे डेकोरेशन। ऐसी एक्टिंग करी है इसलिए पेपा पिक वाली लेके आए हम तेरे। गौरी ने ये वाली आई थी, बार्बी लाए थे। ओ माय गॉड, पेपा पिक, पेपा पिक। ऐसी लगती है मैं तो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मम्मा। ये मेलों से अलग भी मिलते हैं। चाय कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। चलो 12 बजे फिर काटो। दीदी को फोन कर। अरे अगले साल ही मेरी शादी थोड़ी भाई। आंटी ने मनी बंद सोच के अगले साल तड़का क्या कर रही है? कुत्तों को बाहर कर चाचा, गुल्लू को भी ऐड कर लो ना। क्या है तो क्या है? रो रही है। अरे बाबू कल मिलेंगे ना, पार्टी करेंगे। रो मत, सब रो लो। घर में सब रोने के लगते। मेरी तो अगले साल चली जाएगी। चली जाएगी, ये ड्रामे खत्म होंगे। पापा की है। हैप्पी बर्थडे। कितनी ले? 28। वो कहते ये आदमी पसंद नहीं आता। चाची आपकी तबीयत खराब है, आपसे पकड़ने को बोला है। यूनिवर्स, मेरे पास जल्दी से पैसे है। ये सब अच्छा। 1, 2, 1। अरे नहीं, ई टेबल कन्फेटी है। अच्छा, ई टेबल कन्फेटी। मेरे को भी देख रहा है, इसे बोल सही है। ई टेबल अगर आप सही टेबल सो ये क्लिप मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि मैं अपने सारे दोस्तों, अपने परिवार वालों को केक खिला रही हूँ। मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मौजूद हैं, और मैं बहुत 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 खुशनसीब हूँ कि वो ऑडियंस जो मुझे देख रही है और ये जो लोग हैं जो इतनी रात को मेरे लिए सिर्फ आए मुझे सरप्राइज़ करने के लिए। आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट एंड आई गेस आई एम सेइंग दिस विद सो मेनी टीयर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद सो मेनी पीपल हु लव मी जेन्युइनली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे सबको खिला दिया। दिख रहा है? नमन नहीं दिख रहा। इसे नमन नहीं दिख रहा। सॉरी नमन, पूरा ब्लैक। क्या कर रहा है कुछ नहीं, बस अपने कुछ खास दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। एक सेल्फी लेने में इतना स्ट्रगल करते हैं ना हम लोग,
but end of the day all of them really matters to me a lot. कल वीडियो कॉल पे रो रही थी. अरे अभी मूड खराब है, बाद में बात करते हैं. रखी है मैंने. गाइस मम्मी गौरी आज जो पहनने वाली है उस पर रिव्यू. गौरी पहनने वाली है. ऐसे थोड़ी ना होता है. इसको मैं यहाँ तक खींच के ऐसे वहाँ ऐसे ही है. वो टॉप ऐसे ही है. ऐसे नहीं करना. ऐसे नीचे जींस पहनना. ये क्या करेगी चड्डी? चड्डी नहीं स्कर्ट है. अरे ये तो उसके बराबर है रे. गाइस श्रीजल फॉर योर इन्फॉर्मेशन शी इज 4 साल की बहन है हमारी. 6 साल की. उसको भी ये छोटा हो गया. छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा. गाइस इट्स माय बर्थडे टुडे एंड अभी तो मैं बहुत ही खराब लग रही हूँ. शाम को जैसे भी रहूँगी आपको जरूर दिखाऊंगी. अभी पूरा घर फैला हुआ आप देख सकते हैं क्योंकि घर में पेंट हो रहा है. बट हमारी ब्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए. मैं बहुत वियर्ड लग रही हूँ. आई नो बट कोई नहीं, बर्थडे पे चलता है. सो मैं ये फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ. वेरी फेमस फेस मास्क जो कि हर लड़की अप्लाई करती है. दैट इज हल्दी बेसन दही टोमेटो का रस कॉफी. यस These are all ingredients that I'm going to apply. Guys, ये लग चुका है और मम्मी को भी मैंने लगा दिया है. अब देखना है इसका क्या ग्लो आएगा. सो गाइज अच्छी तरीके से नहा धो लिए मैं और गौरी. मेकअप बिल्कुल जीरो मेकअप कर रखा है फिर भी ग्लो कर रहा है. इसे कहते हैं ब्यूटी. इसका मूड अच्छा नहीं है. एनीवेज हमेशा ही अच्छा नहीं रहता है. सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और मैंने अपने बर्थडे की ड्रेस मेकअप सब कुछ रख लिया है. हेयर मैं सोच रही हूँ पार्लर में कराने का क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ हेयर स्टाइल था. बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है, ऐसे कोई बहुत अलग सा हेयर स्टाइल नहीं है. कुछ नहीं समझ आ रहा क्या कैसे होगा. और जिस लोकेशन पे मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी. कैसे कर रही हूँ सब कुछ दिखाऊंगी. मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई तो गौरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड करेगी ही करेगी. यस क्वीन. कभी कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी तो तुझे ध्यान देना पड़ेगा. ओके बेबी गर्ल थोड़ा हंस दे. एनीवेज टुडे इज माय बर्थडे. सबसे पहले हम महादेव के दर्शन करेंगे फिर बर्थडे पार्टी करेंगे. लेट्स गो. अब कराते हुए गुड गर्ल. गाइस लगता है महादेव आज दर्शन नहीं करवाना चाहते. गाइस गौरी ऑलवेज ब्रेक द रूल्स. दरवाजा एक खोल दिया. कह रही ऐसे कैसे नहीं करेगी दर्शन. Nice makeup skills, Vaishnavi. Guys, अपने बर्थडे की पार्टी करने से पहले हम यहाँ पे मोमोज चूस रहे हैं. प्रायोरिटीज चल रही हैं. क्योंकि ये तो कुछ खिलाएगी नहीं, ये तो भूखा मारेगी. तो हमने कहा पहले खुद खा लेते हैं. ये पागल ठीक है कहीं से. गाइस अब हम वेट कर रहे हैं आशीष का कि वो कब आएगा और हमें लेके जाएगा. यार इसे कट करिए एक बार, मुझे बस ऐसे ही देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ. गाइस गौरी कैसी लग रही है? तुम दोनों क्या सेम लग रही हो? सेम मेकअप किया हमने. मेरा थोड़ा अलग है. तू बर्थडे का लेना. आई एम शाइनिंग. I think being 26 looks very very hot. Just look at me. मैं ज़्यादा videos अपनी नहीं बना पाई. This is the only video I took in my dress. And I think I look gorgeous, guys. What do you think? Please comment section में ज़रूर बताना. By the way ये dress मैंने Ajio से ली है. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. सो गाइज हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुका है. ये मैंने प्रॉपर्टी बुक करी है जो आपको दिख रही है फॉर माई पार्टी. और आते ही इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला है कि स्पीकर्स ख़राब है. मैंने लिटरली बोला है कि मैं चली जाऊंगी अगर स्पीकर्स नहीं हुए तो. नाउ लेट मी शो यू. सो ये है एंट्रेंस. मालविका ने दिया है मुझे सरप्राइज. इसने बोला था कि ये नहीं आएगी बट फाइनली पिछले बर्थडे पे नहीं थी. अब ये है. और यहाँ पर है सोफा. और और ये रही पूरी प्रॉपर्टी गाइज. एंड लेट मी शो यू. ये है हमारा किचन. ये है हमारा रूम.
और देयर इज अनदर रूम रेडी सो गाइस यहाँ से पार्टी शुरू हो गई है। हम सब ने इतना नाचा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना नाचा। और मुझे तो डांसिंग करना बहुत पसंद है, ग्रेटफुली मेरे सारे दोस्तों को भी डांस करना बहुत पसंद है, तो हम सब ने काफ़ी मस्ती करी, एवरीबॉडी इन्जॉयड, आप दुष्यंत को देख ही सकते हैं। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरा ये जो पार्टी करने का प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। एवरीबॉडी इन्जॉयड सो मच एंड स्पेशली मी, आई इन्जॉयड द मोस्ट। सो मेरा बर्थडे वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे मना है एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। तुम सब लोग क्या नाम है आए मेरे लिए, तो मेरे पास भी छोटा सा रिटर्न गिफ्ट है तुम सब। Appreciate right from my heart और तुम सब के लिए, आई होप तुम लोगों को पसंद है। hey, इसमें कैसे आया होगा? आई गो यहाँ पे ना पड़ रहा है, दूसरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। ओह माय गॉड, ये इतना लिखा था, पढ़ पाती है सही में, बिल्कुल दिल से लिखा है। सबके लिए साइन मैंने बहुत दिल से लिखी है, और अपू से लिखी है, अपू का इमोशन। ओहो One of the best. Oh my God! Pati Patni in that frame. ये पढ़ नहीं पा रहा, गवाह है थोड़ा। ओके ओके आओ या हेड हेड हाथ दे बीच का तो हूँ। ओहो ओ माय गॉड, जो मैं सुनना चाहती थी, जो मैं पढ़ना चाहती थी वो एक्चुअली है। गाइस लेटर बहुत बड़ा है, नहीं पढ़ा सकते, सेंसर्ड लगा दियो। तो बैठ के पहले होता तो ज्यादा पड़ता होता है, अभी तो ज्यादा ही लग रहा है। नमन तो बोल, नमन स्पीच बैठो, नमन सब लेटर पढ़ रहा हूँ। गौरी आ गई, एनी मैसेज टू योर सिस्टर, एनी मैसेज टू योर फ्रेंड, प्लीज शेयर। बताना नहीं, कट 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 कट। एनी मैसेज फॉर बर्थडे गर्ल, मैसेज फॉर बर्थडे गर्ल। एक सेकंड, भाई बहन वाला, भाई बहन वाला। हाँ अरे यार, वैश इज द बेस्ट, बहुत अच्छी क्या दिया मैसेज देना है बर्थडे के लिए। आई एम सोशल बहुत बड़ा है तेरे हिसाब से, मैसेज फॉर बर्थडे गर्ल दिया है। आई लव यू माय बेस्टी, साथी सक्सेना, मैसेज फॉर बर्थडे गर्ल बेस्ट साली। ओ ये ऑफेंड हो गई, तेरे बर्थडे में तेरे को जीजू ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या है, मैं बोलता सबके बर्थडे पे ये कर लेना शादी के लिए। क्या होता है, हम नहीं आ रहे, हम भी आ रहे, हम आ ही नहीं रहे, भूल जाओ। गाइस आप देख सकते हैं मैं कैसी रात को लग रही थी और अब मैं कैसी, अब असलियत पे आ गए, पर आई थिंक असलियत इतनी बुरी नहीं है, सुंदर है असलियत। हाँ सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। वाइल एडिटिंग द वीडियो आई गॉट गूज़बम्स बिकॉज ओ माय गॉड, इट वाज अ नाइस बर्थडे, इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस बर्थडे। और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखा था, ये सब के लिए लव लेटर लिखा था जितने वहाँ लोग थे, एंड दे ऑल फेल्ट रियली नाइस। और ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिख के भेजे ऑन माई बर्थडे, एवरी थिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस कुछ लोगों के लिए क्या इतनी इंपॉर्टेंट है। यस वैष्णवी है, और आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्स गाइस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ ग्रेटेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड एंड ग्रेटेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड। मेरे को ये बात तो है कि मैं
अगर इस लाइफ में नहीं रही तो बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा कितनी स्टूपिड बातें कर रही हूँ एनीवेज, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू महादेव, थैंक यू एवरीवन, आई लव यू।